तिवारी स्टाइल। तो एक्चुअल में अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, क्योंकि अभी बज रहा है सुबह का 8:30। तो एक्चुअल में अभी टाइम हो रखा है 8:20 के अराउंड, एंड ये घड़ी थोड़ा सा फास्ट है। तो आज है रेड फूड चैलेंज एंड यस आई एम रेडी इन द रेड। तो रेड फूड चैलेंज है आज, 24 आवर्स हमको रेड फूड खाना है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट में आई थॉट ऑफ ड्रिंकिंग अ लस्सी विद गुआवा सो एज टू मेक इट रेड, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट हैवी करती हूँ एंड आई नीड समथिंग हैवी इन द मॉर्निंग। तो अभी दही नहीं है तो जल्दी से दही का वेट करते हैं, क्योंकि दही भी पापा लाने वाले हैं। तो दही लेकर आते हैं एंड देन विल हैव द ब्रेकफास्ट। तो जल्दी से ब्रेकफास्ट में मिलते हैं। मम्मा रेडी कर रही है हमारी लस्सी। थैंक यू मम्मा। अभी लस्सी तैयार है, अब हम इसमें डालेंगे रूह अफ़ज़ा। हाँ गाइस, तो मेरा नाश्ता ऑलरेडी रेडी हो चुका है, ठीक है। तो सो कॉल्ड नाश्ता, तो ये इट इज़ अ शेड ऑफ रेड, पहले ही बताते दैट इट इज़ अ शेड ऑफ रेड। अभी शायद फिल्टर लगाया तो थोड़ा सा ये हल्का सा पिंकिश टाइप का दिख रहा है, बट इसमें मैंने बहुत सारा रूह अफ़ज़ा डाला है, पता नहीं कितना मीठा हो गया है। तो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो हम लोग कर लेते हैं अपना नाश्ता। One hour later. The last. Yeah, it's all finished and हमारा नाश्ता हो गया है। तो आज क्योंकि बहुत हल्का नाश्ता हुआ है तो शायद आज हम थोड़ा खाना जल्दी खा लें, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था दैट आई यूज टू हैव अ हैवी ब्रेकफास्ट। तो देखते हैं क्या होता है, और शायद मैं लंच में ये भी बनाने वाली हूँ, पता नहीं हम कैसे सर्वाइव करेंगे। सो हेलो एवरीवन, तो अभी हो चुका है, अभी तो बज चुका है एंड या आई वाज बिजी इन पैकिंग फॉर गोइंग टू दी हॉस्टल। तो या अभी हम आने वाले हैं वनस्थली बहुत जल्दी, या हो सकता है ये वीडियो मैं वहाँ आने के बाद अपलोड करूँ। तो या बस डूइंग द पैकिंग, तो मेरे को टाइम पता नहीं चला एंड अब मेरे को बहुत जल्दी बहुत तेज से भूख लगी है एंड आई एम वेरी हंग्री। तो चलिए चल के लेकर आते हैं यप्पी फ्रॉम द शॉप। तो या हम लोग उठा लेते हैं यप्पी, ये छोटी सी है तो शायद हम लोग दो दो ले लें। तो हम लोगों ने ले रखे हैं, तो हम लोगों ने ले रखे हैं 2 पैकेट्स ऑफ यप्पी एंड अब चलिए इनको बनाते हैं चल के। ओके एवरीवन, आई एम बैक विद माय यप्पी। रेड रेड फूड इन द रेड रेड बोल। तो अब हम जाते हैं थोड़ा सा रेस्ट करने एंड फिर हमको जाना है मार्केट थोड़ा सा सामान लेने के लिए एंड या उसके बाद हम आपको डायरेक्ट मिलते हैं अब डिनर टाइम पे। सो हेलो एवरीवन वंस अगेन, एंड अभी बज रहा है रात का 8:30 एंड या क्योंकि मेरे को बहुत ही भूख लगी है। यूजुअली आई डू नॉट हैव एनीथिंग एट नाइट, मतलब मैं बहुत कम खाती हूँ या कोई फ्रूट्स वगैरह खा लिया या कुछ ऐसे ही खा लेते हैं, बट यूजुअली आई डू नॉट हैव माई डिनर एट नाइट। तो आज क्योंकि मैंने सुबह से नहीं खाया है तो मेरे को बहुत ही भूख लगी है एंड या मैंने ड्रेस चेंज कर लिया क्योंकि बहुत गर्मी थी बाहर, ठीक है। तो फिर अब हम चलते हैं, खाते हैं चल के। मम्मा ने बनाए थे राजमा चावल, बट चावल क्योंकि होते हैं वाइट तो हम चावल नहीं खाएंगे, विल ओनली हैव राजमा, क्योंकि मेरे को बहुत भूख लगी थी इसी वजह से आई ब्रॉट दी राजमा हेयर। और इसमें मम्मा ने डाली थी कश्मीरी लाल मिर्च, तो उस वजह से रेडिश भी हो जाते हैं, और बाकी राजमा तो ऑलरेडी रेडिश होते हैं। तो या दिस इज़ अ रेड फूड एंड मैं ये खाने वाली हूँ आज, क्योंकि मेरे को बहुत तेज भूख लगी है। तो या अब खाते हैं क्योंकि आई एम रियली वेरी हंग्री। फाइनली अब जाके मेरा पेट भरा है एंड या अगर आपको आज का व्लॉग अजीब सा आई और नो कि किस टाइप से हमने चैलेंज किया है, और अगर आपको पसंद आया हो तो डू हिट द लाइक बटन और प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि वॉज आई एबल टू कम्प्लीट द चैलेंज और नॉट, और नेक्स्ट चैलेंज कौन सा चाहिए एंड मोस्ट प्रोबेबली अब जो नेक्स्ट चैलेंज होगा वो वनस्थली में ही होगा।
क्योंकि आई एम नाउ कमिंग टू बनस्थली. तो डू कमेंट डाउन कि आपको नेक्स्ट चैलेंज कौन सा चाहिए. एंड यार दिस वॉज प्रिटी कूल चैलेंज. ऑल्सो मैंने पोल डाला था उसमें ब्लू कलर का भी अच्छा खासा रेट आया था, बट ब्लू कलर वॉज नॉट पॉसिबल राइट नाउ क्योंकि अभी चल रही है पैकिंग. एंड अभी मैं थोड़ी देर पहले मार्केट से होकर आई हूँ. एंड आई हैव टू लीव टुमारो, मीन्स जब तक ये वीडियो आएगी तो शायद तो हम बनस्थली में ही होंगे. एंड या तो उस वजह से ये थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी में जितना मेरे से हो पाया रेड फूड, इसीलिए मैंने आज बहुत मतलब इतना अरेंज हो पाया कि ऑल दो हम और अच्छे से कर सकते थे, बट वी वर लैकिंग सम टाइम क्योंकि मेरे को सब चीज़ें करनी थी. एंड हाँ, पहले मैं नहीं बना पाई थी, वो मेरी गलती है. एंड बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना वॉज आई एबल टू कम्प्लीट इट और नॉट, और नेक्स्ट चैलेंज किस पर चाहिए, या किस हो सकता है इट वुड नॉट बी रिलेटेड टू फूड और इट वुड बी समथिंग एल्स, ठीक है, तो वो भी बताना. और हाँ, तो अगर आपको ये इस टाइप की वीडियो अच्छी लगी है, चैलेंज वीडियो अच्छी लगी है, तो डू हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स. इफ यू आर न्यू टू द चैनल, हाँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो. यार मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय.